नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। अभी आप देख रहे हैं धुन म्यूजिक। पावर स्टार पवन सिंह जी के चाहने वाले फैंस लोग का काफी सारा कमेंट्स भर भर के हमारे कमेंट सेक्शन में लगातार आ रहा है, क्योंकि राम प्रभु जी आ रहे हैं 22 जनवरी को। जी हां, भारतवर्ष की धरती पे, अयोध्या की पावन धरती पे भगवान राम श्री आ रहे हैं। तो सारे स्टार लोगों ने, बॉलीवुड से लेके सारे इंडस्ट्रीज के लोग अभी तक गाने गा दिए इसके उपलक्ष्य में, और अभी तक पावर स्टार पवन सिंह जी का एक राम भजन नहीं आया है। पिछले कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले रोवेले रघुराई जब आया था तो इतना प्यार दुलार मिला था कि इसका सराहना खुद पवन सिंह जी आके लाइव आके कर रहे थे कि इस तरह का गाना का आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो फैंस लोग का काफ़ी सारा डिमांड है और रिक्वेस्ट भी है कि पावर स्टार पवन सिंह जी के आवाज़ में एक राम भजन आना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं, राम भजन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि राम भक्त तो वे भी है, क्योंकि राम जी के हमेशा वो भी गीत गाते रहते हैं। तो इस उपलक्ष्य में 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं, तो उनका आवाज़ में एक गीत तो आना ही बनता है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी का अभी एक गाना रिलीज हुआ है एसआरके म्यूजिक से, जो अभी फिल्म का वो गाना है, और दिलेर मेहंदी ने उन्हें गाया है। बॉलीवुड का पंजाबी सिंगर है जो काफ़ी क्राउड के बीच में शूट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पावर स्टार पवन सिंह के फैन भी चाहते हैं कि उनका अपना चहेता कलाकार, अपना चहेता मन पसंदीदा फेवरेट भोजपुरी के मतलब धरोहर पावर स्टार पवन सिंह के आवाज़ में भी राम भजन एक आए। और वैसे हमने काफ़ी सारा पोस्ट कम्युनिटी किया था कि क्या राम भजन पवन सिंह जी की आवाज़ में आना चाहिए या नहीं। 90% से एबव लोग चाहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी का आवाज़ में ये गीत आए। वैसे अभी कोई उनके ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक कहीं ना कहीं जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, पता चल रहा है कि अंदर ही अंदर गीत का तैयारी हो रहा है। और लोग का ये भी अपेक्षा कि इस गीत को लिखे आपके विनय बिहारी जी इस गीत को लिखे, और पावर स्टार पवन सिंह जी, सोनू निगम जी और कैलाश खैर तीनों एक साथ गाते तो और भी मतलब सुंदर होता। वैसे तो ऑडियंस बहुत चाहती है पावर स्टार पवन सिंह, उम्मीद हमेशा रहती है कि वो कुछ न कुछ अलग करते हैं, और इसके लिए भी जाने इसी के लिए वो जाने जाते हैं। जैसा कि गाने की बात करें, विशेष तौर पे गाने की बात करें, तो गाने के लिए पावर स्टार पवन सिंह जी को ही जाना जाता है भोजपुरी में, चाहे और कुछ भी हो, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी को गायकी के लिए ही जाना जाता है। उनके दरिया दिल के लिए भी जाना जाता है, लेकिन विशेष तौर पर लोग उनको सरस्वती पुत्र कहते हैं। कहा गया है ना कि पूजा बिना हवन के और भोजपुरी बिना पवन के अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। तो पावर स्टार पवन सिंह जी से रिक्वेस्ट है, उनके टीम से रिक्वेस्ट है कि उनके चाहने वाले ऑडियंस ये चाहते हैं कि राम भजन जो 22 जनवरी को इतने धूमधाम से देश स्तर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोग मना रहे हैं राम के आने की खुशी में, खुश है पूरे भारतवर्ष खुश है, तो हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी भी एक गीत गाए, ताकि उनके ऑडियंस उनकी आवाज़ पे थिरके और उनकी आवाज़ पे राम भजन गा करके लिप सिंह दे के रील्स बनाए और राम जी का स्वागत करें। क्योंकि डिजिटल युग में काफ़ी लोग डिजिटल पे ही लोग खुशी मनाते हैं, जाहिर करते हैं, तो उनके फैंस चाहते हैं कि उनका भी स्टार गाना गाए ताकि वो भी सेलिब्रेट कर सके। वैसे बॉलीवुड के गाने तो आ ही रहे, लेकिन क्या होता ना, हम बिहारी हों, यूपी, जितने लोग भोजपुरी को सुनने वाले हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे फेवरेट कलाकार की आवाज़ में गीत आए। तो विनय बिहारी जी को चाहते हैं कि ऑडियंस की विनय बिहारी जी गीत लिखे, और हो सके तो कैलाश खैर और सोनू निगम जी को भी इस गाने में लाएँ पावर स्टार पवन सिंह। अगर पावर स्टार पवन सिंह जी चाह जाएँ तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां लाइन में लग जाएंगी जो इन सब को लेकर के काम करने के लिए बजट देगी, काम करने के लिए बोलेगी। जैसे कि अभी सनी लियोन के साथ लेकर के पावर स्टार पवन सिंह इतने बड़े गाना लेकर के आए। तो जाते जाते आप लोगों से भी यही मेरा सवाल रहेगा कि कितने लोग हैं जो पावर स्टार पवन सिंह के आवाज़ में राम भजन सुनना चाहते हैं 22 जनवरी से पहले, मतलब क्योंकि वो खुद एक मोदी जी के सेना है। पावर स्टार पवन सिंह एक मोदी सेना है, वो खुद बोलते हैं कि मैं मोदी सेना हूँ, एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं मोदी का सेना हूँ। तो मोदी जी खुद उद्घाटन करने वाले हैं राम जी का, तो फिर पावर स्टार पवन सिंह जी को तो भाई एक गीत तो चाहिए ही चाहिए।
तो जाते जाते आप लोगों से यही सवाल रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, लिखिएगा कि क्या पावर स्टार पवन सिंह जी की आवाज़ में गीत आना चाहिए या नहीं। पावर स्टार पवन सिंह जी के कमेंट बॉक्स में जाकर के भी आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर या फिर उनके दोस्त दीपक सिंह के भी फेसबुक आईडी के कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि गीत आना चाहिए, और शायद आप लोग की अपील पे ऐसा हो जाए कि वो गीत बहुत जल्द आ जाए। जो 10 दिन में आने वाला है वो 4 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। तो आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा देखते रहिए धुन म्यूजिक।